good morning students, welcome to our English class. In our English class today we are going to start a new topic, that is a picnic. पहले हमने unit कर लिए, chapters कर लिए, आज हम कुछ new करते हैं, that is paragraph of a picnic. तो कुछ कोई भी जब भी आप कोई भी paragraph write down करते हैं, तो पहले उसके बारे में one or two lines आप लिखा करें. आप fifth class में इसीलिए मैंने सिर्फ just एक ही line extra लिखी है, तो जैसे भी आपको लगे आप थोड़ा सा extra भी लिख सकते हैं. तो फर्स्ट मैंने अब यहाँ से स्टार्ट किया, द पिकनिक इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड एंजॉयमेंट. पिकनिक इज अ सोर्स, सोर्स में होता है साधन. पिकनिक एक सोर्स है किस चीज का, प्लेजर एंड एंजॉयमेंट मींस खुशी एंड एंजॉय करने का. जब भी हम बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम थोड़ा टाइम बाहर जाकर स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो हमारी ये इच्छा होती है. तो इसी पर ही ये टॉपिक लिखा जाता है, पैराग्राफ पिकनिक. आप इसको अपने वे से भी लिख सकते हैं, बट जो मैंने लिखा है अभी मैं आपको वही क्लियर कर देती हूँ. तो पिकनिक इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड एंजॉयमेंट. पिकनिक एक साधन है प्लेजर का एंड एंजॉयमेंट का. लास्ट संडे आई एंड माय फ्रेंड्स वेंट ऑन अ पिकनिक. लास्ट यानी लास्ट रविवार को मैं और मेरे सारे दोस्त हम पिकनिक पर गए. वी लेफ्ट आवर होम्स एट 6 AM. आपको टाइम लिखना जरूरी होता है, आप पिकनिक पर वेन कब गए, वेयर कहाँ गए और आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू देयर. ठीक है, आपने वहां क्या किया ये तो, और व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए, ये कुछ एक बातें होती है जिसके कारण आपको पैराग्राफ लिखना इजी हो जाता है. तो आपने वही लाइन उठा उठा के उसकी कि आप रीजन जब देंगे ना, और क्यों गए, क्या किया वहां पर, जब रीजन देते जाएंगे तो पैराग्राफ रिटन करना बहुत ईजी हो जाता है. तो आगे चलते हैं. वी लेफ्ट आवर होम्स एट 6 AM यानी कब गए, 6 AM मॉर्निंग में 6, एंड कैरीड इटेबल्स विद अस. इटेबल्स यानी हमने अपने साथ क्या लेकर गए, इटेबल्स यानी खाने की चीजें लेकर गए. देन वी रीच द बैंक ऑफ द रिवर, और कहा कौन से प्लेस पर गए, बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे पर. द सीनरी ऑफ द रिवर वॉज वेरी चार्मिंग. अब जहां हम गए हमें उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है, तो जहां हम गए यानी बैंक ऑफ द रिवर गए, तो वहां की जो सीनरी थी यानी उसका जो लुक वाइज था रिवर का, वो कैसा था, चार्मिंग यानी बहुत सुहावना था. ऑल वी हैड अ डिप इन द रिवर. अब ऑब्वियस है अगर रिवर में गए हैं तो वहां पर डुबकियां तो लगाएंगे, तो डिप मींस डुबकी लगाना. वहां पर हमने बहुत एंजॉय किया मेरे फ्रेंड्स के साथ और बहुत मजा आया. आफ्टर सम टाइम वी प्लेड सम गेम्स, और थोड़े टाइम ये तो यानी कि सारा दिन अगर गए हैं तो हम वहां पर थोड़ा एंजॉय भी करेंगे. और हमने वहां क्या खेली, गेम्स खेली, सुमित सैंगम मेमोरियल सॉन्ग. आप यहाँ पर कोई भी नेम राइट डाउन कर सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड का जिसके साथ आप पिकनिक पर गए हैं, तो उनमें से किसी एक की जिसकी आवाज बहुत अच्छी थी, तो मेलोडियस मीन्स स्वीट यानी मीठा, उसने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया. देन वी डांस टुगेदर, हमने फिर डांस भी इकट्ठे किया. आफ्टर सम टाइम वी फेल्ट हंग्री, अब गए हैं टेबल्स लेकर गए हैं तो हमने कुछ खाना भी है, तो उसके बाद हमने कुछ फीलिंग हंग्री, वी वर फीलिंग हंग्री, हमें बहुत हंग्री फील किया यानी भूख लगी हमें, तो हमने क्या लिया, टी एंड स्नैक्स, हमने चाय ली और स्नैक्स लिया. Then we packed our things and came back home. तब हमने हमारी चीजें सभी पैक की, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, हम पिकनिक के लिए आए थे और पिकनिक वन डे या इवनिंग तक की होती है, तो हम घर पर वापस आ गए. इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट एंड मेमोरेबल डे, ये बहुत ही सुहावना और बहुत मेमोरेबल मीन्स यादगार, तो बहुत ही सुहावना और यादगार दिन था. तो आप पिकनिक में आप कोई भी लाइन्स, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि कोई भी लाइन्स आप राइट डाउन कर सकते हैं, बट ये जो मैंने लिखा है इट इज फॉर फिफ्थ क्लास, सो राइट डाउन इट ऑन योर फेयर नोटबुक. सो बाय, हैव अ नाइस डे.